कर्मों का चक्र बहुत पुरानी बात है। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है। परंतु सरस्वती जी अपनी बात पर अड़ी थी कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोनों में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाएं। वहां जो कोई भी धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा उसको मैं अपनी इच्छा अनुसार धन दूंगी, फिर देखूंगी कि कर्म किस प्रकार उसे दुखी होने से रोकेंगे। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, और आपको एक नहीं तीन मौके मिलेंगे। दोनों मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे छिप गई। मंदिर के पास ही अनवर नाम का एक गावन था। इसमें बलराम नामक एक लकड़हारा अत्यंत गरीबी में अपने दिन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम सुनीति था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। वह प्रतिदिन लकड़ी काटता अथवा पड़ोसियों के काम करके अपना पेट पालता था, परंतु तीन रोज से लगातार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह घर से काम करने को न जा सका तथा घर से अन्न का एक दाना न ला सका। बालक भूख से व्याकुल थे और माता पिता विवश थे। दिन निकलते ही वर्षा रुकी और सुमिति ने कह सुनकर बलराम को काम की खोज में भेजा। बलराम ने वन में लकड़ी काटी और फूल जमा किए। फिर कुछ फूल लेकर वह लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर चला। बलराम अत्यंत भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो कि उस मंदिर में सबसे पहले पहुंचा, जिसमें दोनों देवियां छिपी बैठी थी। बलराम ने मूर्ति की पूजा की, फूल घड़ाए और धन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त अवसर देखकर मोहरों की वर्षा कर दी। बलराम आंखें फाड़-फाड़ कर देख रहा था कि क्या यद्य सत्य है अथवा स्वप्ना। बड़ी देर में उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी वास्तव में उस पर प्रसन्न हो गई है। मंदिर के कोने में मिट्टी की एक हड़िया रखी थी। सब मोहरे उसमें भर कर आनंद से उछलता हुआ वह अपने घर पहुंचा। बाहर से ही उसने अपनी पत्नी को आवाजें देनी शुरू की कि देखो सुनीति में क्या लाया हूँ। परंतु वह अपनी किसी पड़ोसिन से आटा उधार मांगने गई हुई थी, वह उसे ढूंढने को बाहर चल दिया। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी वापस आ गए। बलराम तो खुशी खुशी सब बता रहा था, परंतु सुनीति उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। घर में आकर दोनों ने देखा कि हड़िया भर अशफियों तो क्या, एक भी अशर्फी नहीं है। बलराम कटे पेड़ की भांति गिर पड़ा और सुनीति उसे गालियों सुनाने लगी। अब वह बोलता भी क्या, चुप पड़ा रहा। अगले दिन प्रातःकाल वह फिर देवी के मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी सोच रही थी कि बलराम अब धनी हो गया है, अतः बहुत सारी सामग्री लाकर पूजा करेगा। परंतु बलराम ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले का मणिमुक्ताओं का हार उसके ऊपर फेंक दिया। वह अत्यंत खुश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मल जल में स्नान करके पूजा नहीं की थी, शायद इसीलिए उसका कल वाला धन खो गया। यह सोचते ही वह सरोवर पर जा पहुंचा और हार को कुर्ते की जेब में भलीभांति बांध कर कपड़े जल के किनारे रख दिए और नहाने को घुस गया। जब वह सूर्य की ओर मुंह करके उसे जल दे रहा था, कपड़ों की ओर उसकी कमर थी। हार जरा सा जेब में से चमक रहा था। मछली उसे कोई खाद्य वस्तु समझ चट से निगल गई। इधर बलराम स्नान से निवृत्त होकर आया तो हार को गायब देखकर रोने लगा। सब जगह उसने हार ढूंढा पर वहां हार कहा।
घर पहुंचकर उसने रोते रोते अपनी पत्नी को सब हाल सुनाया, परंतु उसने विश्वास करने के बजाय और उसे चार बातें सुना दी। अगले दिन बलराम फिर देवी के मंदिर देर से पहुंचा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थी, देखो आज बलराम नहीं आएगा, अब वह अमीर हो गया है। यह मनुष्य बड़े धूर्त होते हैं। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात बलराम रोता हुआ आ पहुंचा और आकर सब हाल सुनाने लगा। देवी सरस्वती से कहने लगी, यह मनुष्य बड़ा मूर्ख मालूम होता है। सरस्वती बोली, मूर्ख नहीं है, इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी चिढ़ कर बोली, फिर वही कर्म चक्र, अच्छा की बार इसको बढ़ा कीमती एक छोटा सा पत्थर दूंगी, देखे इसे कौन लेता है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। बलराम ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब वह उसे मुट्ठी में दबाए घर की ओर भागा। उसे सुनीति के पास पहुंचने की जल्दी थी। आधे रास्ते आकर वह मुट्ठी खोल कर देखने लगा कि कहीं अमूल्य पत्थर हाथ में से गायब तो नहीं हो गया। पत्थर लाल लाल चमकते देखकर एक चील उसे खान की वस्तु समझकर उससे एक ही झपाटे से छीन कर ले गई। अब तो बलराम सर पीट कर रह गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ ना बताया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे ऐसा लेटा देखकर सुनीति का हृदय भर गया तथा वह उसे खोए हुए धन के लिए सांत्वना देने लगी। अगले दिन वह मंदिर न जाकर मजदूरी करने को चला गया, क्योंकि सुनीति को ऐसी ही इच्छा थी। उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, अब बलराम जरूर लखपति हो गया होगा, भला वह अब यहाँ क्यों आएगा। परंतु सरस्वती बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं हुआ, वह अभी उतना ही गरीब है और शाम को उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वह अवश्य ही लखपति बनेगा। शाम को बलराम को 8 आने मिले, उससे वह आटा नमक तेल तथा मछली आदि खरीद कर घर चला। उसकी पत्नी तथा बच्चे यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्नी ने घर में जाकर भोजन की तैयारी शुरू की और वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लेने चला। भाग्यवश यह उसी कीकर की दालों को काटने लगा जिसमें उस चील का घोंसला था तथा वह मूल्यवान पत्थर उसमें रखा था। उसको देखते ही खुशी के मारे लकड़ी और कुल्हाड़ी सब छोड़कर घर की ओर भागा। वह कहता जा रहा था, सुनीति चोर मिल गया। उधर सुनीति ने जब मछली काटी तो उसके पेट में से वह हार निकल पड़ा। वह उसे दिखाने को बाहर लेकर भागी। वह भी कहती जा रही थी, चोर मिल गया। यह शोर सुनकर पड़ोस की कुब्भी बुढ़िया घबरा गई, क्योंकि उसी ने पहले दिन वह मोहरों से भरी हंडिया चुराई थी। वह समझी शायद उसी की चोरी पकड़ी गई है और अब उसी के घर वह उसे पकड़ने आ रहे हैं। वह चुपके से उस हंडिया को उसी कोने में रख आई। घर आकर दोनों चकित रह गए, क्योंकि उनकी तीनों चीजें मिल चुकी थी। अब वह लखपति क्या करोड़पति बन गए तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कर्मों का चक्र आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें। धन्यवाद।